आज बहुत टाइम के बाद मैं स्क्वायर केक बना रहा हूँ। ये केक 1 kg का था, पाइनएप्पल फ्लेवर, और मैंने वाइड एंगल कैमरे पे ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, तो इतना ज़्यादा फोकस डी फोकस बार बार कर रहा था। बट एक चीज़ इसमें बताने लायक ये है कि आप भी जब भी स्क्वायर केक बनाना हो तो इस तरीके से आप क्रीम को अच्छे तरीके से लगा लीजिए पहले केक पे, फिर उसके बाद एक बड़ी नाइफ लेके इस तरीके से आप कट कर दीजिए, ताकि आपका केक जो है ना बिल्कुल स्क्वायर शेप में आ जाए अच्छे तरीके से। उसके बाद शुरू होती है इस केक की डिज़ाइनिंग। और एक चीज़ मैं बता दूं यार, जब भी मैं वॉइस ओवर करने चलता हूँ ना, मेरे घर के सामने ना ये बर्तन बजना, बच्चे चिल्लाना, सब कुछ होने लगता है। और जैसे ही वॉइस ओवर ख़त्म होता है, सब लोग शांत बैठ जाते हैं। ऐसा क्यों हो जाता है हमको समझ में नहीं आता। बट ये केक की साइड में मैंने ये वाली डिज़ाइन जो की थी, ये डिज़ाइन जो आपको करना हो ना, तो आप जो लीफ वाला आपका नोज़ल होता है, या आप लीफ वाला जिसे ही बनाते हैं, तो उसी तरीके से आपको बनाना है। थोड़ा सा केक से दूर होकर ही बनाइएगा, तो इस तरीके की डिज़ाइन आपकी बन जाएगी। यहाँ पे मैंने ये ब्लैक कलर की जेली लगा दी। केक सोचा कुछ था, बन गया कुछ, बट जो सोचा था वो नेक्स्ट टाइम बना दूंगा। यहाँ पे आर्टिफिशियल फ्लावर लगाया, कुछ पत्तियाँ वगैरह लगा दी, और केक हो गया हमारा रेडी फटाफट से। 1 kg का केक था, और एकदम समझ में नहीं आ रहा था। एक तो इतनी गर्मी पड़ रही है ना, एकदम समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या बनाया जाए, कैसे क्या किया जाए, कुछ भी काम नहीं समझ में आ रहा है। बस कैसे ही करके मैं अपनी क्रीम को, इतनी समय तो कुछ भी नहीं चल रहा, मेरा तो एकदम मन ही नहीं कर रहा है काम करने का, इतना ज़्यादा मतलब गर्मी पड़ रही है और एकदम समझ में नहीं आता। कभी कभी तो बहुत प्रॉब्लम होती है यार, लेकिन चलो कोई बात नहीं, आज का वीडियो मैं बनाया, बस कल के लिए कोई वीडियो ही नहीं बनी मेरे पास इतनी ज़्यादा गर्मी के कारण। आई होप आज का केक आपको पसंद आएगा। तब तक के लिए सभी लोगों को मेरा बेस्ट ब्लेसिंग, बेस्ट ऑफ लक ब्लेसिंग। यार मैं क्या करूँ यार।